थैंक यू सो मच, वेलकम टू द कॉमेडी क्लब। ये हमने खुद बनाया अपने हाथों से। बेसिकली हम लोग स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जैसे बोला ना राइफल के बारे में, तो मुझे कट्टा याद आ गया। एक्चुअली स्टीरियोटाइप इंडिया में हर जगह, अगर आप ध्यान से देखो तो, इनफैक्ट बॉम्बे आओगे आप या किसी भी शहर में चले जाओ, कानपुर गाँव में, आपको पता किस चीज़ के लिए फेमस है कानपुर? गुटका। स्टीरियोटाइप है। आप लोगों को पता है कानपुर में भी एक न्यूज़ आई है? क्या न्यूज़ आई है कि कानपुर में बैंक लूटने के लिए चोर आए थे अभी कुछ, और जो बैंक में बाहर बंदा बैठा हुआ था, जो गार्ड होता है, उसके पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई डंडा नहीं था, वो गुटखा खा रहा था, उसने गुटखा थूक थूक के उनकी आंखों में चोर भगा दिया। आप कानपुर वालों का डिफेंस मैकेनिज्म देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है, बाकी दुनिया आंखों में धूल झोंकड़ी, हम आंखों में गुटखा झोंकने में लगे। थोड़ा बहुत सच इसलिए क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने कानपुर में जब पहली बार टिंडर डाउनलोड किया था ना, और एक मैच आया था, मैंने लड़की से पूछा डेट पे कहाँ चलना है, मुझे लगा बहुत अच्छी जगह बोलेगी, कहती 84 पान भंडार। और मैं लेके गया हूँ, मुझे लगा वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैटीज है, कुछ किस्मी बार खा लेगी, कुछ कर लेगी। मैंने क्या खाओगी? कहती कमला पसंद। मैंने पान वाले से बोला, मैंने भैया कमला पसंद है? वो इतना बदतमीज था, कह रहा भैया कमला मेरी उम्र की नहीं, उसकी अम्मा बहुत पसंद है। मैंने उसकी अम्मा राइफल चलाती है? कह रहा हाँ भैया वही है। हाँ जी रेडी हो फिर? एक्साइटेड? प्लीज वेलकम ऑन स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर आयुष्मान खुराना। खाली टूल और दो स्टूल और दो खाली कवर इंच किए बैठा, सोचा था स्टैंड अप होगा, सिट डाउन हो गया। हाँ तो भाई स्टीरियोटाइप की बातें कर रहे थे, और मैंने सुना आप काफी परेशान रहे हो जिंदगी में स्टीरियोटाइप से। एज अ पंजाबी तो हम सभी परेशान रहे हैं वैसे, मुझे लगता है नहीं। यार देखो, पंजाबी सिर्फ खाते पीते हैं, ये गलत है। भाई लोगों को लगता है कि चंडीगढ़ में बच्चा पैदा होता तो बाप को ये नहीं बोलता कि पापा गोदी ले लो, बोलता बाप को पापा गेड़ी ले लो। मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ यूपीएससी की नहीं रोडीज की कोचिंग क्लासेस लगती हैं। दो में खुद गेस्ट लेक्चर बन के आ चुका हूँ। भाई आपका बनता उसके लेक्चर दे। बिल्कुल यार, स्टार्टिंग वैसी हुई थी। पूरे देश में ना ये बोला जाता है कि शर्मा जी के लड़के से सीखो, सिर्फ चंडीगढ़ ऐसा एक शहर जहाँ बोला जाता है खुरानों के लड़कों से सीखो। यार पंजाबी हूँ, ऊपर से मिडिल क्लास हूँ, रोल्स मूवीज ऐसे करता हूँ, परफेक्ट कॉम्बो है बेस्तियाँ कराने का इंडिया में। सुबह सुबह हमारे घर पे दो ही चीजें फूलती हैं, भटूरे या लोगों के मुंह। चंडीगढ़ में लोग ना कहते हैं लड़का जीप लेके पैदा होता है, जिप्सी लेकर बड़ा होता है। मेरे पापा ने मुझे साइकिल दी, दो टायर वाली। पाजी आप थोड़ा होश में नहीं हो, साइकिल दो टायर वाली होती है। अरे भाई, एक टायर मुझे दिया, एक टायर मेरे भाई को दिया, तभी दो टायर वाली साइकिल। भाई मैं समझ सकता हूँ, वो बच्चे मैंने देखे टायर वाले भागते हुए, वही हम थे। इधर मुंबई में आया, बनाई बॉडी, सिक्स पैक्स। पापा कहते तूने वहां बॉडी बना रखी है, मैं यहाँ पे छह बनाए, छह पैग। कहते तेरे तो छह ही है, मैं तो आठ भी बना सकता हूँ, दस भी हो सकते हैं। लोग कहते भाजी पंजाबी बहुत लाउड होते हैं और गालियां वालियां भी खूब देते हैं। भाई देख, पंजाबी लाउड होते हैं। मेरा पहला गाना इमोशनल लव सॉन्ग पानी दा रंग, दोस्त बोल रहे हैं भाई पानी दा रंग क्यों देखना, वीरे नीट पी ले। पंजाब में ही चलता है। ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये सदियों से चली आ रही स्टीरियोटाइपिंग की, आप जो अब नेक्स्ट मूवी हमारे, हम मतलब आप आ रहे हो, हम आ ही गए, अब देखो हम आ ही गए, मतलब देखो उसमें जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बात बता गया, मैं इसके पेट पर लाट मारूं, मेरे पेट पर लाट मारूं। भाई ये आदमी सब करना चाहता है, आरजे ये बन जाए, वीजे ये बन जाए, एमजे ये बन जाए, गाना ये गा ले, एक्टिंग ये कर ले, उसके बाद स्टैंड अप बचा था उसमें भी आगे, हम लोग क्या चले जाए कहाँ जाए, ये औरत राइफल चला दी मार दे गोली बहन, हमारा कोई काम नहीं इस धरती में, सब ये कर लेंगे दोनों भाई मिलकर। बहन बोल रहे क्या होता, बहन की नजर से ना देखी तुम क्या करोगे, तो गरीबों की क्वेश्चन। अरे टॉकिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स, देखो मेरी फिल्म अनेक की है तो मैं नॉर्थ ईस्ट की बात बताऊँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है। लाइक मेरी फ्रेंड थी नॉर्थ ईस्ट की, मेरा दोस्त फर्स्ट टाइम मिला उसे, उसे कहा, कह रहा था आपको हिंदी आती है, और उसने जो शुद्ध हिंदी में गालियाँ दी ना भाई, उसने जो गालियाँ दी शुद्ध हिंदी में, मैंने कहा भाई उसे मैंने खड़े होकर ना मेरा भारत मान बोला है, इसलिए क्यों करते हैं सब लोग ऐसा क्यों। और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला बदले में, पूछा कि तुझे मणिपुरी एसमीज की कोई भी नॉर्थ ईस्ट वाली लैंग्वेजेस आती है, नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज छोड़ तो स्टेट्स के नाम पता है, मतलब ये सो ऑन अवे कुछ नहीं पता, इन लोगों को पागल है ये लोग, क्या होता है पंजाबी को कहते हैं कि ये लोग जो है बहुत दिल खुले होते हैं, बहुत वो होते हैं, बनियों कहते हैं कंजूस होते हैं, कहां से चला रहे हैं ये सब। देख भाई मेरा एक पंजाबी कहते हैं दिलदार है ना,
दिलदार दोस्त। मेरा एक पंजाबी दोस्त है, जैसे ही रेस्टोरेंट में बिल आता है उसका, उसको रिश्तेदार फोन करता है, दूर की माँ फोन कर देती है कभी। सर ये दूर की माँ उसका कार्ड खराब हो जाता है, कैश चोरी हो जाता है, अकाउंट सीज हो चुका है, मतलब ऑल इन ऑल कंजूस है, बिल्कुल कंजूस। और बनिया दोस्त एक भाई है मेरा, बहुत बड़ा कमाल, 2000 की गड्डी उड़ा दी मेरे पे, कहता जेब में सड़ रहा था पैसे। ये स्टीरियोटाइप ही मत जाओ, मतलब बनिए भी दिलदार, पंजाबी कंजूस, कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज मत करो लोगों को। हां जाओ फटाफट जाओ, तुम गड्डी लेके मड़ाई देखो, ये चकाचक लग रहा है, हम कुछ नौटंकी कर रहे हैं यहां पे, उड़ाओ ना गड्डियां, हम डांस भी कर सकते हैं यहां पे, पानी का रंग चलाओ और क्या। बट हम बात कर रहे थे, अनेक मूवी आ रही है भाई, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, और इसमें ये पुलिस बने हैं भाजी, पुलिस वालों के लिए बारे में कितने स्टीरियोटाइप्स हैं कि ये लोग 100 रुपए लेके मान जाते हैं, और जो है बोले और ये देखो हंस ले रहे, दे चुके ना। और बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि जब सब हो जाता है तब ये पीछे से कहीं पुलिस आ रही होती। मैंने आज ट्रेलर देखा है अनेक का, उसमें आप हर जगह 5 मिनट पहले कैसे पहुंच रहे हो पहले। पता नहीं यार, मैं पहला शादी के, मम्मी पापा की शादी के 6 साल बाद हुआ था, लेकिन हर जगह टाइम पे पहुंच जाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद पहले पैदा नहीं हुआ, वो भी होता तो क्या फर्क पड़ता, जब तक माँ बाप सेम है। रहने दे, तुझे समझ नहीं आया बेटा, ये अलग टाइप की हिचकी है। हाँ जी भाजी। यार पता क्या, लिरिक्स की तुम्हारी क्या लाइन खत्म हो गया? नहीं नहीं, आप थोड़ा अनेक के बारे में, भाई अनेक के बारे में बताना है कि ना, मतलब कि एक्चुअली एक फैक्ट और बताता हूँ मैं पाजी के बारे में, आपका आयुष्मान के बारे में, कि साउथ में जो मूवीज बनती हैं, और इकलौते ये बॉलीवुड के एक्टर हैं जिनकी मूवीज साउथ में रीमेक हो रही हैं। हाँ यार, मेरी फिल्म आ रही है अनेक, और जैसे हम बात करें स्टीरियोटाइपिंग पे, मतलब ये फिल्म उस पर है, पूरी इंडिया को जोड़ने की बात करती है। इंडिया में भाषाएं अनेक हैं, संस्कृति अनेक हैं, पर वेश अनेक है और जज्बा सिर्फ एक है। जीतेगा कौन? हिंदुस्तान। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, आने के लिए थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आयुष्मान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जीतेगा कौन?